सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो पढ़ा था वो लाइक आप लोग आपको ही पता था कि हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ कवर किया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि डी ब्रोगली का ये मानना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर का भी हो सकता है, जिसमें हम मैंने आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी जो उसका ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक समझा था। आपको याद होगा कि लैम्डा किसको डिनोट करता है, वेव को डिनोट करता है, एम बी किसको डिनोट करता है, पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है। तो यहाँ तक तो आपको बात सारी क्लियर हो गई होंगी। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग का क्या मानना था? हाइजेनबर्ग का ये मानना था कि भैया आप एट अ टाइम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन को नहीं बता सकते, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मैं यह लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज पॉसिबल टू फाइंड मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, मतलब एट अ टाइम आप मोमेंटम और पोजीशन तो इम्पॉसिबल है एक्चुअली बताना। तो ये हाइजेनबर्ग का मानना था, ठीक है। और मान लो इन केस अगर आप मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट कर भी लेते हो तो देयर विल बी 110% ये रहेगा कि उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा ही आएगा, और यही थ्योरी बताती है हाइजेनबर्ग की, ठीक है। बोर ने ये तो बता दिया भैया अगर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमेगा, बेसिकली उसका जो 2D मॉडल था उसने रेडियस के अकॉर्डिंग बता दिया था, बट उसने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि पोजीशन कहाँ पे होगी। वो ये सब बता कि कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन हाइजेनबर्ग का ये मानना था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मानते हो तो इट इज इम्पॉसिबल। ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं लिख देता हूं, इफ मोमेंटम एंड पोजिशन इज कैलकुलेटेड देन देयर शुड बी सम एरर अराइजेस, देन देयर शुड बी सम एरर अराइजेस, ठीक है। तो अब कैसे एरर होगा, क्यों हो आ रहा है, ऐसा हाइजेनबर्ग का क्यों मानना था, ये मैं आपको सब प्रूफ करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, लेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड लेट अनसर्टेनिटी इन सॉरी मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी एंड अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इसको हम डेल्टा एक्स मानते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब समझिए बात। उन्होंने उसने एक इक्वेशन दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है सर एक्चुअल में अनसर्टेनिटी का मतलब क्या था? अनसर्टेनिटी मतलब विद दैट थिंग दिस नॉट सर्टेन, मतलब यह है कि जैसे आप जब बोर्ड एग्जाम दे के आते हो, मान लो सपोज कर आपने कोई एग्जाम दिया तो आप ऐसे 100% श्योर थोड़ी ना बोलते कि भैया मेरे को 92% आए, नहीं मेरे को 90, आप बोलते हो राउंड ऑन एंड राउंड 90 प्लस माइनस, मतलब हो सकता है 90 से ज्यादा हो, 1-2% या 90 से कम हो, बट यू आर नॉट श्योर। तो अनसर्टेनिटी का मतलब भी वही है कि प्लस माइनस कुछ एरर आएगा बट यू आर नॉट 100% एक्यूरेट इन दैट आंसर, ओके। अब हुआ क्या यहाँ पे, समझिए बात को। अब एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया कैसे, मान लीजिए न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन को बोर्न डी ब्रोगली ने क्या माना था, एज अ वेव नेचर भी माना था कि भाई आप किसी भी पार्टिकल को एज अ वेव वेव भी कंसिडर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे, तो अगर मान लो अगर वो कुछ इस तरीके से घूमेगा,
अगर मान लो कुछ इस तरीके से घूमेगा, तब क्या आप इस पोजीशन में बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? इट इज इम्पॉसिबल। अगर वो वेव नेचर में घूम रहा है, वेव के तरह घूम रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम। तो उन्होंने एक एग्जैक्टली exactly, मैं आपको आइडिया देने, उन्होंने किया क्या कि मान लो ये न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव ट्रांसफर करता है, और उसको किसी ओरिजिन पे रखा। कहां पे रखा? ओरिजिन पे रखा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वेव ट्रांसफर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पोजीशन पे होगा तो वापस से टकरा के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि आप पोजीशन तो बता सकते हो, लेकिन अगर मान लो मैंने बड़े वेवलेंथ का लिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा? नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वेवलेंथ, मतलब बड़ा वेवलेंथ का मतलब तो सिंपल सा बात, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ही नहीं, तो इम्पॉसिबल। लेकिन छोटे वेवलेंथ के चांसेस थोड़ी ज्यादा बन जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन से टकरा दे, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चला, एक्चुअल पोजीशन पता चला। लेकिन एक एक क्वालिटी क्या होती है, अगर आप बड़ा वेवलेंथ यूज करते हो तो उसमें यह होगा कि आप इसकी मोमेंटम जरूर बता सकते हो, लाइक वेलोसिटी आप जरूर बता सकते, बट फिर उस केस में पोजीशन नहीं बता पाओगे, तो ये बात हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, बड़ा वेवलेंथ से क्या हो जाएगा, कैन नॉट लोकेट द इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट लोकेट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बड़ा वेवलेंथ तो बड़े बड़े वेव्स है, तो इट इज मतलब चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के टकराने के। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ के होंगे तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि उसके टकरा जाएंगे, ठीक है। और मतलब ये बोल सकते हैं, अगर ये वाला वेव क्या होता है, कैन लोकेट द इलेक्ट्रॉन, कैन लोकेट द इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात आपको ये भी है, छोटा वेवलेंथ है, इसका मतलब ये भी है हाईली एनर्जेटिक होगा, ये क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक होगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाईली एनर्जेटिक कैन लोकेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या हो सकता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाएगी, इट कैन लोकेट द इलेक्ट्रॉन, कैन, इट कैन टेल, इट कैन गिव, नॉट टेल, इट कैन गिव आइडिया अबाउट पोजिशन, बट इट कैन नॉट गिव, इट कैन नॉट गिव आइडिया अबाउट मोमेंटम। तो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा कि आप एक बार आप मोमेंटम का आइडिया ले सकते हो तो पोजिशन छूट जाएगा, और एक बार पोजिशन का आइडिया ले लोगे तो मोमेंटम छूट जाएगा। इसी बेसिस के ऊपर, थ्योरी के बेसिस के ऊपर में हाइजेनबर्ग ने अपनी थ्योरी बनाई थी, तो दैट इज नथिंग बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और कंसेप्ट आता है थोड़ा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, सपोज करो P इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा V। मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, अगर अनसर्टेनिटी मास में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, उसमें आप कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेलोसिटी भले चेंज हो सकती है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा V शुड बी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा V शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई M। तो जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो आपको इक्वल टू का साइन लेना, ग्रेटर देन वाला साइन हटा भी सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग आती है कि मान लो एनर्जी बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे पता है, और फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या एक्सीलरेशन को मैं v / t लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं मैं। और क्या मैं इस t को इधर ले जाऊं, e into t बराबर क्या हो जाएगा, इंटू टी को आप लिख सकते हो बेटा पी, हाँ इंटू टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू बी को पी लिख सकता हूँ इंटू एक्स, तो दोनों तरफ डेल्टा लिया, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। मतलब हाइजेनबर्ग को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैं एक और दूसरे फॉर्म में ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम प्लस चेंज इन पोजिशन अगर बताना नामुमकिन है, तो वैसे ही एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट एनर्जी भी बताना नामुमकिन होती है। तो बात को समझ में आता है, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई।
तो हम मोमेंटम को इससे भी रिप्लेस कर सकते कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पे उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताना भी क्या होती है, थोड़ी नामुमकिन होती है एक सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट आर योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके पर हम थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो यू विल गेट सम आइडिया। और इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, तो बट स्टिल हमारा कोशिश है पूरा आपको कॉन्सेप्ट कवर करवाना। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की बात करो, फर्स्ट क्वेश्चन इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री पीकोमीटर पीकोमीटर व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी व्हाट विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन आवर शो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट show that the electron cannot present inside the nucleus so using मैं HUP short form में लिख रहा हूं, Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ओके मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम of electron is same of electron is same then what will be uncertainty in velocity in velocity। Question number 4, what will be the question number 4, if H plus is accelerated to 6.62 10 to the power 6 meter per second and error in the velocity is plus minus 1% then find delta x। okay beta, theek hai, now first question kya hai, if the uncertainty in position of electron is 0.33 then what will be the uncertainty of velocity। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि भैया डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई। नाउ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे आप वेलोसिटी वाला यूज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वेलोसिटी का एच अपॉन 4 पाई m, तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी बराबर क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई m डेल्टा एक्स। तो नाउ H की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 6.625 10^-34। नाउ 4 × 3 और याद रखना बेटा यहाँ पे यूनिट का बहुत थोड़ा ध्यान रखना होगा, आंसर आप अप्रोक्स में भी निकालो तो भी मुझे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 10^-31। नाउ व्हाट अबाउट द अनदर पॉइंट, हाँ दैट्स नथिंग बट डेल्टा एक्स, नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.33 10^-32।
तो आपको यहाँ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आपका ऐसा यूनिट में आंसर आए, ठीक है? तो दिस इज योर आंसर, नाउ कैलकुलेट एंड गेट योर आंसर. शो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इसको समझने की थोड़ा कोशिश करिए, याद करिए. मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मान लीजिए अगर न्यूक्लियस ऐसा है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि उसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, उसकी पोजीशन की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी. मतलब मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम डेल्टा एक्स अगर होगा तो कितना होगा. मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मान लो आपके कि भैया आप इस कमरे में हो, लेट्स से सपोज कर आप जिस कमरे में हो आपकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की पोजीशन की कितनी हो सकती है. जितना कमरे का एरिया होगा उतनी आपकी मैक्सिमम पोजीशन हो सकती है. तो वैसे ही न्यूक्लियस, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसके रहने की, मतलब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या हो सकती है. तो आप बोल सकते हैं जितना न्यूक्लियस का रेडियस होगा, न्यूक्लियस का रेडियस हमें पता है 10^-15 मीटर के रेंज में आता है. नाउ अगर मैं डेल्टा वेलोसिटी की बात करूं तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm. तो अगर डेल्टा वी की बात करूं तो डेल्टा वी हो जाएगा 6.625 × 10^-34 अपॉन 4 × 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 × 10^-31 इंटू 10^-15. ना अगर मैं अप्रोक्सीमेटली की बात करूं तो 10^-31 ये अप्रोक्सीमेटली ऐड करोगे तो 46 आता है. 46 को अगर ऊपर जाके माइनस प्लस में आ जाएगा, 46 − 34 कितना आ जाता है 12. अप्रोक्सीमेटली 10^12 के रेंज में इसकी वेलोसिटी आएगी जो कि इम्पॉसिबल है भैया. हाईएस्ट वेलोसिटी तो लाइट की ही होती है, लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा कैसे हो सकता है. इसका मतलब यहां से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट नहीं कर सकता है. क्यों भैया? देखो आपको याद होगा बोर्स के अंदर में मैंने जो वेलोसिटी बताई थी, हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी थी 2.18 × 10^6 मीटर पर सेकंड, वो हाईएस्ट वेलोसिटी थी किस इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस. उससे ज्यादा हुई इसका मतलब वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और कोई भी पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल. तो यहाँ से हम कॉन्ट्राडिक्शन से बोल सकते हैं कि सिंस द इलेक्ट्रॉन हैविंग अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द लाइट लाइट ऑफ द स्पीड, सो we can say that the electron cannot be present inside the nucleus. So it is impossible. Okay, from the contradiction we can tell that. Now answer number 3. Now what is question number 3? If the uncertainty in position and momentum of electron is same, then what will be the uncertainty in velocity? Let's say delta p aur usne delta x barabar kar diya hai. So delta p into delta x is equal to h upon 4 pi. So delta p स्क्वायर मान लेता हूं क्योंकि डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4π. तो डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा एच अपॉन 4π. नाउ एम इनटू डेल्टा वी बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4π. तो व्हाट इज द डेल्टा वी वेलोसिटी? डेल्टा वी वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π 1/m. तो दिस इज योर third answer. Okay, now moving to the next point, our last suppose यहीं पे मैं सॉल्व करूँ. If accelerated to this then and percentage error in the velocity is plus minus, मतलब अगर accelerate किया तो this is nothing but velocity per second. तो अगर मैं delta v की बात करूँ तो delta v मेरा approximately 1/100 1% है इसका 6.62 × 10^6. तो this is your delta v. तो आपको क्या निकालना, डेल्टा एक्स निकालना. तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा? डेल्टा एक्स बराबर होगा एच 4π m डेल्टा वी. आपको डेल्टा वी पता है, m h प्लस आपको h प्लस का पता ही है, h प्लस नथिंग बट प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास पुट करिए, 4π आपको पता, डेल्टा वी पता, देन यू विल गेट योर आंसर. तो दिस इज ओवरऑल योर ओवरऑल व्हाट आवर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. आई होप सो यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करूं, जो हमारा अब एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमारा यहां से चालू होगा, ठीक है?
देखिए, अब तक हमने जो एटॉमिक मॉडल पढ़ा, आप अब पक्का मुझे गाली देने वाले हो, तो मैं 110% श्योर हूं। क्यों बेटा, बोलोगे सर इतना एटॉमिक मॉडल पढ़ा दिया, झूठ मूठ का हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट कुछ नहीं हुआ एक्चुअली में। एक्चुअली क्या था ना, हर एटॉमिक मॉडल का हमने कुछ ना कुछ थ्योरी एक्सेप्ट करके, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हमने जो बनाया, जो एक्चुअल में एटम किस तरीके से दिखता है, वो कुछ ना कुछ हमने कोरिलेट करके बना। अगर मैं डायरेक्ट आपको वो मॉडल बता देता तो शायद आपको समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए उन सब चीजों को पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता। देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया था कि बोर्स का मॉडल कंप्लीटली गलत नहीं था। बोर्स ने जो बताया था कि जो बोर्स ने जो एनर्जी सेल का जो कॉन्सेप्ट दिया, तो नो डाउट वो आज भी हम यूज करते हैं कि भैया हर एनर्जी, हर सेल का अपनी एक एनर्जी होती है, राइट? तो वो हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे एनर्जी सेल्स होते हैं और उनकी अपनी एक एनर्जी होती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता किस तरीके से, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रहता है, एक क्लाउड टाइप, क्लाउड के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, वो आप भूल जाइए कि वो आपने कुछ पढ़ा भी था, मतलब एक्चुअली भूलना नहीं है, फिलहाल के लिए भूल जाइए कि आप वो कुछ पढ़े भी थे। एक्चुअल दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। यहीं से तो अनसर्टेनिटी का उसने डिफाइन किया था कि वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रहता है, कहीं पे भी रह सकता है वो, ठीक है। तो ये तरीके की, ये जो था, अब हम जो पढ़ेंगे एटम का 3D मॉडल पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट होगा, तो समझने की कोशिश करिएगा, हो सके तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपको समझ में आएगा तो आप दोबारा भूलोगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम जो पढ़ेंगे 3D मॉडल पढ़ेंगे। अब तक हमने सिर्फ एटम का 2D मॉडल पढ़ा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, वो घूमता है, उसका रेडियस, सब भूल जाओ, सब कुछ नहीं होता। एक्चुअल में एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रहता है, वो कहीं पे भी घूम सकता है, उसका कोई सर्टेन पोजीशन नहीं होता, राइट? तो इस तरीके से हमने बात की थी। नाउ अगर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसको किसने दिया था, इसको दिया था श्रोडिंगर ने, श्रोडिंगर ने। देखो ये है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, तो इसका मैं डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हालांकि डेरिवेशन उसका आसान है, बट इसका सॉल्यूशन वगैरह, क्योंकि इसको और रिसर्च, मतलब ये अपने आप में रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको और समझने के लिए इसमें बहुत बड़े बड़े मैथमेटिक्स टूल हमें यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। जो आप IIT वगैरह में आप पढ़ोगे इसको डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेंगे और डेरिवेशन वगैरह मैं इसको बताऊंगा, डोंट वरी, कि आखिर किसका ग्राफ कैसे बनता है, उनकी इक्वेशन वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या समझना है यहाँ पे कि आप श्रोडिंगर मॉडल जो बेस था, जो क्वांटम मैकेनिक मॉडल जिसको हम बोलते हैं, वो बेस था इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे। मतलब क्या माना था, याद करिए, हाइजेनबर्ग ने ये, सॉरी, डी ब्रोगली ने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉन को हम एज अ वेव, वेव पार्टिकल, वेव जैसा भी बिहेव कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने इसी बेस पर कर दिया कि द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज, द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडिंग वेव, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडिंग वेव। अब आप समझोगे स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है। देखो थोड़ा बहुत आप 12th में पढ़ोगे, बट मैं एक बात समझा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे और वहां पे मेरे पार्टनर खड़ा है, दोनों हम रस्सी टाइट खड़े हुए, और अगर हम ऐसे हिलाएंगे तो वो वेव बनेगा, वेव जनरेट होगा, वेव प्रोपेगेट होगा, लेकिन वो वेव क्या हम दोनों के बाहर जा सकता है कि नहीं? तो जो पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में जो वेव जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। मतलब लाइक कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ पे एक दीवार है और ये स्ट्रेंथ, तो वेव जनरेट हुआ तो कुछ ऐसा जनरेट हो सकता है, या अगर वेव जनरेट हुआ इन दो पॉइंट्स के बीच में तो या तो कुछ ऐसा हो सकता है, ओके? तो इस तरीके ये कॉन्सेप्ट पे बेस था श्रोडिंगर का कि इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव है और वो ऐसा वेव जहां जहां जाएगा वहां वहां उसका एम्पलीट्यूड होगा, और जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड होगा उस पॉइंट पे एनर्जी होगा, और जिस पॉइंट पे एनर्जी होगी उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
बता सकते हैं। डोंट वरी, घबराइए मत, अभी मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हुआ कैसे, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये एक बाउंड्री होगी न्यूक्लियस की और ये आउटर ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसी ऑर्बिट के अंदर होगा, इसी बाउंड्री के अंदर वो प्रोपेगेट करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। और इसी पे कॉन्सेप्ट पे उसने पूरा मॉडल तैयार कर दिया था। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअली उसने ये बताया था कि फॉर एनी स्टैंडिंग वेव ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर? मतलब किसी का भी एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब समझो, यहाँ पे अलग एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड होगा, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड है क्या, एक तरीके का ये फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन ऑफ एक्स माना जाता है। तो इट्स अ बेसिकली इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वाई और एक्स, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स हम मानते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि अब यहां पे समझो बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। मुझे पता है कि एनर्जी जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और इसी एनर्जी को मैं लिख सकता हूं साई स्क्वायर। यही एम्पलीट्यूड किस फॉर्म में रहेगा, मेरे साई स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। बेसिकली साई क्या है मेरा, या आप एम्पलीट्यूड बोलो या इसको वेव फंक्शन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेव फंक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? वेव फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली एनर्जी इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है? इट्स अ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे। जैसे समझो बात को कि ऐसे इमेजिन करो एक होलो स्फीयर आपके पास, थोड़ा अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, एम्पलीट्यूड वाला तो समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए याद रखना कि एम्पलीट्यूड एनर्जी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। तो जिस वेव में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जिस पॉइंट पे, जिस वेव के पॉइंट पे एम्पलीट्यूड ज्यादा, मतलब उस पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा, एनर्जी मुझे किसके वजह से मिलेगी? एनर्जी नो डाउट मुझे इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगी। भैया बिना इलेक्ट्रॉन के आपको एनर्जी कहां से मिलेगी? मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा हो रही है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों यूज किया? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या, एक मास है, एक पॉइंट मास है, जहां मास होगा वहां डेंसिटी होगी। तो दैट्स नथिंग बट, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज कर दिया। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पे समझो कि सपोज करो आपके पास एक होलो स्फीयर है। क्या है? एक प्लास्टिक का बॉल है जो अंदर से खाली है, तो होलो स्फीयर हो गया वो। उस प्लास्टिक बॉल में गलती से मक्खी है, जिंदा है वो मक्खी, क्या है, जिंदा है, प्लास्टिक बॉल बंद है। तो अब समझिए बात को, जस्ट ये ही कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। यह मैं आपको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन मेरा मक्खी हो गया और बॉल जो हो गया वो मेरा 3D का स्फीयर का एटम हो गया। मैंने ये माना कि जो मक्खी है वो जहां भी जाएगी तो एज ए स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में जाएगी, जहां पे भी जाएगी स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में जाएगी। तो उसका जिस पोजीशन में जाएगी उस पोजीशन में हो सकता है कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगा, हो सकता है किसी पॉइंट पे जीरो होगा, किसी पॉइंट पे 50% होगा, किसी पॉइंट में 99% होगा, बट प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो होगी ना किसी किसी पोजीशन पे। तो मैंने ऐसा बोला कि मान लो पूरे इस बॉल में मक्खी सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूरी पे कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, हो सकता है इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे कुछ प्रोबेबिलिटी की, बट कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी ना। सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का भी, कि इलेक्ट्रॉन इसी बाउंड्री के अंदर है और इस बाउंड्री में जहां जहां वो जाएगा
उस जिस वेव से उस फॉर्म में जाएगा उस पॉइंट पे कुछ एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा मतलब एनर्जी होगी, एनर्जी होगा मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब जिस पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा होगी मतलब मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा मिलने के चांसेस, हो सकता है हमेशा इक्वल नहीं होंगे, हो सकता है किसी पॉइंट पे कम होंगे किसी पॉइंट पे ज्यादा होंगे, बट इस तरीके से। और इस तरीके से उन्होंने श्रोडिंगर ने ये देखा ये सब एक्सपेरिमेंट करके कि इलेक्ट्रॉन रैपिड रैंडम मोशन करता है, कभी ऐसे करता है कभी ऐसे करता है, ये सब चीजें मैं कल बताऊंगा आपको, बट फिलहाल के लिए आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, रिमेंबर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्टैंडिंग वेव के लिए एनर्जी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, और जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, हो सकता है एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है यहाँ पे और कम है, तो उस जगह पे एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसी तरीके से कम हो जाएगी। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ अब ये जो साइन होता है ये एक इक्वेशन सेटिस्फाइज करता है, ये जो साइन होता है एक इक्वेशन क्या करता है सेटिस्फाइज करता है, ठीक है। और हाँ एक बात याद, इस वेव फंक्शन को ही हम साइन बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गया था हमें बताना, एम्पलीट्यूड स्क्वायर या वेव फंक्शन को ही हम साई बोलते हैं, और इस साई का स्क्वायर मुझे क्या डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडिंग वेव के लिए एनर्जी क्या होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है एक फंक्शन होता है या वेव फंक्शन होता है, उस वेव फंक्शन को हम साई बोलते हैं। आई बात समझ में, मतलब इट्स मतलब मान लो कहे ऐसे डिनोट करेगा, तो एक जैसे मान लो ऐसे डिनोट किए हम वेव को, तो एक वाई और एक्स मान लो, तो एक पोजीशन बताता है मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग में, वो एक पोजीशन बताता है, तो बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म होता है एक फंक्शन, तो उस फंक्शन को डिनोट करता है कि साइन है मेरा किस फंक्शन का। जैसे मैंने बोला कि ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या है मेरा फंक्शन है वाई के रिस्पेक्ट में, ये कॉस एक्स है ये cos x क्या मेरा y के रिस्पेक्ट में फंक्शन माना जाता है, तो उसी तरीके से कुछ ना कुछ कर बनाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका वेव फंक्शन मानते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। y सेटिस्फाई कौन सा इक्वेशन करता है, डो स्क्वायर psi by डो dx स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर psi by dy स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर psi by dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इनटू साई इक्वल टू जीरो। ये श्रोडिंगर इक्वेशन था, ये क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन है, जहां पे ई मेरा क्या है टोटल एनर्जी है, क्या है मेरा ई टोटल एनर्जी है, और वी मेरा क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है मेरा वी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और साई मेरा गेन क्या है मेरा वेव फंक्शन है, साई मेरा क्या है वेव फंक्शन है। फिलहाल टर्मिनोलॉजी याद रखिए, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखना है, नीट वाले बच्चों को और भी आसान है, उनको सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखनी, बाकी चीजें नहीं भी याद रखोगे तो क्या होता भाई साई। अब ये डो स्क्वायर बट ये मतलब डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आउट ऑफ योर सिलेबस है, जो हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, मतलब की बातें हमें समझने की किसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, एक वेव में किसी पोजीशन पे होगा ना कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा होंगे, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये सब प्रोबेबिलिटी का ही खेल है। आप कभी इलेक्ट्रॉन को ना देखे हो ना कोई देखा है, मतलब ना कोई आगे देख पाएगा, पता नहीं शायद हो सकता आगे देख भी पाए, बट फिलहाल तो हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, तो हम बस एक प्रोबेबिलिटी पे ही सारे काम करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा होगा या नहीं होगा। जस्ट एक मिनट, ठीक है, सॉरी टेक्निकल इशू था। नाउ यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको सिर्फ मतलब यहाँ पे उनके टर्मिनोलॉजी से याद रखना है, ठीक है, कौन सा काम कैसे करता है क्या नहीं करता है, इस इक्वेशन को नहीं मिटा रहा मैं, इसको मैं ऐसे रख रहा हूं d स्क्वायर साई, ओके ना बेटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं पूरे इक्वेशन को, तो डो स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाय dy स्क्वायर डो स्क्वायर बाय dz स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने साई कॉमन ले लिया प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई साई
माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर वी इनटू साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा बेटा। ओके नाउ अब एक मैं काम करता हूं, अच्छा एक बात याद रखना, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग इनवर्टेड डेल्टा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी को हम किसे डिनोट करते हैं, इनवर्टेड डेल्टा स्क्वायर से। ठीक है बेटा, अब याद रखो अगर मैंने मान लो सपोज करो मैंने क्या किया, इन दोनों में मैंने एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे बता रहा हूँ एक मिनट पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाय डो जेड स्क्वायर, ठीक है इनटू, अब मैंने मल्टीप्लाई किया एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो इनटू साई यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ई साई हो जाएगा माइनस वी साई, ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है नाउ अब बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है समझो बात को, ठीक है यहाँ पे मैंने किया है इक्वल टू जीरो, एक चीज बोल रहा था इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा। ओके नाउ अब इस टर्मिनोलॉजी को डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम इसको प्लस वी, इसको मैं साई कॉमन ले लू इज इक्वल टू ई साई ले लेता हूं, मैं क्या ले रहा हूं ई साई ले रहा हूं, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है नाउ यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया मैंने तो माइनस यहाँ पे लेट इट भी ऐसे रहने दो, इस पूरे इक्वेशन को हम एच से डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं एच से डिनोट, आप फिलहाल टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे बेटा बाकी आपको चाहिए याद रखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे टर्मिनोलॉजी को हम एच साई से डिनोट, साई तो मेरा बाहर है और ये पूरा टर्मिनोलॉजी एच कहलाता इज इक्वल टू ई साई, इसको क्या इससे वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम एच को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। फिलहाल सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा मैंने किसको कहां से लाया है इतना ही, और ये हो जाता है आइजन, इसका नाम है आइजन, तो फिलहाल आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, सिर्फ यहाँ की टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है बेटा अब याद रखना तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच को, तो ये पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर से लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8 एच स्क्वायर है ना ऊपर सॉरी हाँ एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल्टा स्क्वायर प्लस बी, ये मेरा क्या है मेरा फंक्शन हैमिल्टियन ऑपरेटर है। ठीक है और यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई है, अब साई जो मुझे यहाँ पे मिलेगा मतलब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे और आपको जो साई मिलेगा वो किसका किसका फंक्शन होगा, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ई वी एन एल एम, इस तरीके के आपको ये फंक्शन मिलेंगे। ठीक है बेटा यहाँ तक आपको बात क्लियर, और हर वैल्यू का सेटिस्फाई करेगा। अब आप बोलोगे सर एन एल एम क्या है, एन एल एम यही क्वांटम नंबर होता है जो आपको प्रीवियस केमिस्ट्री टीचर ने जो भी आपको मतलब हमारे जो झा सर उन्होंने आपको थोड़ा बहुत बताया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है यहाँ पे डोंट वरी, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होंगी। ठीक है नाउ ई वी जी एक्स वाई जेड एन एल एम, तो इसी के फॉर्म पे ही ये पूरा फंक्शन बना होगा। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर हो सकता है तो इनफाइनाइट इसका फंक्शन भी हो सकता है, लाइक कैसे y इक्वल टू mx प्लस c है, लेट सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो m के भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं c के भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन मिल सकते हैं आपको स्ट्रेट लाइन के, लेकिन इसमें से हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा,
इसमें से ये NLM की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, कुछ ही पॉसिबल वैल्यू होती है जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, नॉट ऑल, नॉट ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ, नॉट ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ साई इज एक्सेप्टेड, साई इज एक्सेप्टेड, साई इज एक्सेप्टेड, ओनली दोज विल बी एक्सेप्टेड, ओनली दोज विल बी एक्सेप्टेड विच सेटिस्फाइज। अब यहां पे क्वेश्चन आता है किसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि NLM ये अलग नंबर है, एक्स वाई जेड तो खैर है ही मेरा, ईवी आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिल ही जाता है, ठीक है। NLM का तो कुछ भी नंबर हो सकता है ना, ये एक इंटीजर वैल्यू ही होता है, ये क्या होता है इंटीजर वैल्यू होता है, और ये बहुत सारे नंबर दे सकता है, यूनिकॉर्न क्वांटम नंबर से बोलते हैं, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे यही से आपको पता चलता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है एटम में, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ, अब इसको आप सेटिस्फाई कैसे करते हो, मतलब आखिर किस वैल्यू पे ये साई सेटिस्फाई करता है एक्चुअल में। तो ये एक्चुअल में इक्वेशन क्या होता है, साई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और इज इक्वल टू वन। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, इक्वेशन देख के मैं बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ कि कैसे होगा ये, समझो बात पे। यहाँ पे जैसे थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है न्यूक्लियस है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक वॉल्यूम है, पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम है जिसका कोऑर्डिनेट है dx dy dz, कोऑर्डिनेट क्या है dx dy और dz। अब इसको समझने की कोशिश करो, सपोज करो एक क्लास में आप खड़े हो, आप बैठे हो और मैं खड़ा हूं, मेरे से आपके डिस्टेंस पे एक वॉल्यूम है, आप अपने आप एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ, सपोज कर आपने dx dy dz का एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, अगर मैं बोल दूं कि मैं पूरे क्लास को इंटीग्रेट कर दूं, तो 110% आप उसी क्लास के अंदर उसी क्लास के वॉल्यूम में ही तो आपने छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी उसी क्लास के अंदर हूं और आप भी उसी क्लास के अंदर हो, तो आपने उस छोटे से जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, तो इसका मतलब मैंने पूरा क्लास को इंटीग्रेट कर दिया, पूरे क्लास के इंटीग्रेट करने पर तो 110% शोर है, तो आप तो क्लास के अंदर ही हो ना। तो कहने का मतलब समझो कि जब यहां से आपने डिस्टेंस निकाला, तो आप एक वॉल्यूम पे थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए, उस वॉल्यूम पे क्या किया मैंने, पूरे क्लास को इंटीग्रेट कर दिया। जब आप क्लास को इंटीग्रेट करते हो 110% आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे ही होगे, तो वही क्या किया मैंने कि साई स्क्वायर मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाने की डेंसिटी उस पॉइंट पे, इस वॉल्यूम पे, इस वॉल्यूम पे। तो जब आप इसको होल इंटीग्रेट करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेटेड प्लस इंटीग्रेटेड, मतलब आपने सबको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मतलब आपने सबको इंटीग्रेट कर दिया, सबको इंटीग्रेट करने का मतलब भाई टोटल प्रोबेबिलिटी तो किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी वन ही होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जब आपने टोटल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेट किया तो ओवरऑल आपको वन ही वैल्यू मिलने पा रहा है, वन ही वैल्यू मिलेगा, और इस इक्वेशन को जो साई का फंक्शन सेटिस्फाई करता है उसी से हम हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहां तक आप थोड़ा बहुत देखें, नीट वाले बच्चों का आपको क्या काम करना है, सिर्फ आपको वो सब याद रखना है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, जेई एडवांस वालों को यहां तक समझना होगा कि ये सब, नीट वाले बच्चे ये पॉइंट छोड़ भी देंगे ना कोई इशू नहीं, बट आप यहां तक एटलीस्ट कर लीजिएगा कि इनका मतलब क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है। लेकिन जेई एडवांस वाले बच्चों को ये सब पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और लेकिन हर पॉइंट्स को ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये उसी फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा जहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वन मिलेगी। टोटल उसका वॉल्यूम जो होगा साइज स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने बाद ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई, होप सो आपको थोड़ा टॉपिक हार्ड भी लग रहा होगा, तो प्लीज दो तीन बार देखें, इफ यू हैव डाउट्स देन यू कैन फ्रीली आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो आपको पता ही है, ठीक है। यहां तक मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको समझ में, प्लीज 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 इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आते या आपको लग रहा है टॉपिक हार्ड जा रहा है, तो प्लीज गिव मी सम सजेशंस सो दैट कि मैं आपको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आपको और अच्छे से समझा पाऊं। तो आप यहां तक प्लीज एक बार अच्छे से सोचिए, अच्छे से समझिए, आपको किस पॉइंट पर नहीं समझ में, यू कैन आस्क रियली क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस सेशन टुडे, थैंक यू वेरी मच।